डिजिटल मीडिया एक ऐसा टूल बन चुका है मार्केट में जो आने वाले और 2-3 साल में करोड़ों लोगों की परसेंटेज को कवर करेगा। मेरी आपको राय है कि आप बिजनेस कैटेगरी को अपना डोमेन बनाएं। नमस्कार दोस्त, मैं शरद आपका दोस्त, आपका होस्ट टॉकी बाइट के चैनल से एक बार फिर आपके सामने आया। आज मैं आपको अपने चैनल की कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज के बारे में बताना चाहूंगा जिसकी वजह से आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ मिली। ब्रांडिंग किस तरीके से हम लोग कर चुके हैं उसके बारे में आपको टिप्स देता हूँ। क्या क्या टेक्निक से आपको फ्रंट पेज पे आ सकते हैं उसकी भी थोड़ी टिप्स तरीके बताऊंगा जो आपकी ब्रांडिंग को बहुत अच्छे लेवल पे लेके आ सकते हैं। पहला चैनल सबसे टॉप गूगल, सेकंड चैनल यूट्यूब, थर्ड चैनल सोशल मीडिया के वो सारे लिंक लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड समथिंग समथिंग। तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल पे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने स्पेशली आईटी की स्पेशलिस्ट रखी हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक्सपीरियंस है और किसी को नॉलेज है तो नॉलेज भी उतना ही काम करेगी जितना एक्सपीरियंस करेगा। तो आई फील कि मेरा एक्सपीरियंस आपके काम है क्योंकि यूट्यूब भी कुछ ऐसे टूल्स देता है आपकी ब्रांडिंग को बढ़ाने जिसकी वजह से आपकी ब्रांडिंग इस लेवल पे आ जाती है कि आप फ्रंट पेज पे आ जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप लोगों के पास भी कई लोग आते हैं, एजेंसीज हैं, B2B है, B2C है, वो कंपनीज आपको आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लेके डिस्प्ले बना के वेबसाइट दे के सारी सोशल मीडिया पे फैला के काम करती है, नो डाउट। लेकिन पैसा इन्वेस्टमेंट जो आपकी लगती है वो आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लगती है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कौन सा सही प्लेटफॉर्म आपके लिए सूट करता है आपकी ब्रांडिंग को बढ़ाने के लिए। अलग अलग मॉडल्स हैं मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शूट की बात करूँ तो अगर आपको अपना प्रोडक्ट शूट कराना है मेरे पास आए, अगर आपको अपने प्रोडक्ट शूट के साथ साथ एक प्रोफेशनल इंटरव्यू के साथ अपनी मार्केट बनानी है, लोगों के वो दिखाना है कि पर्दे के पीछे एक्चुअल में आदमी है कौन, तो आप मेरे पास आए। आप प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद मार्केट में वो प्रोडक्ट निकलता है, लॉन्च होता है, आपकी पब्लिसिटी भी हो जाती है क्योंकि आपका पैसा लगा है, और जिनका पैसा नहीं लगा उनकी पब्लिसिटी जीरो। तो इस पब्लिसिटी को और इम्प्रूव करने के लिए अगर जो आज का सिनेरियो है, अगर आप फ्रंट पेज पे आए, आप फ्रंट कैमरे पे आए, आप लोगों को बताएं कि आप है कौन, तो बेसिकली जितने भी आपके पास सर्टिफिकेशन है ना अपनी मैनेजमेंट को बढ़ाने के आगे वो और 4 चांद लग जाएंगे। लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि आप बेसिकली आप हैं, आप कहाँ से हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है और आप लोगों को और कितना ज़्यादा फायदा कराते जाएंगे। बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम इन टच विद सम इंडस्ट्रीज ऑल्सो, B2B और सम काइंड ऑफ B2C, तो मेरे पास कुछ इस तरीके के कनेक्शन हैं जहाँ से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको जो अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी चाहिए वो किस थीम में बनानी चाहिए। आप जिस साइट को खुद कंट्रोल कर सकते हो दैट इज गुड। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक मैनेज करते हैं, आप इंस्टाग्राम अपने हाथों से चलाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के सीनियर CEO से आपका कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। आपके हाथ में किसी चीज़ का कंट्रोल है, डायनेमिक। आज की भी अगर परसेंटेज की बात करें तो 70-80% डिजिटल मीडिया यूज करते हैं। आज से 5 साल पीछे आप जाएंगे तो वो रेशो बहुत कम है, लेकिन अब सिचुएशन आपके सामने, आने वाले और समय में वो सिचुएशन और सामने आएगी। आपको सबसे पहले अपने बेसिक स्टेप्स के अंदर ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो मैं अपने क्लाइंट से जब मिलता हूँ तो मैं बताता हूँ, मेरा बेस वहीं से शुरू होता है कि आप अपनी कमर्शियल लेवल की साइट डेवलप करें। कमर्शियल लेवल की साइट जब डेवलप करते हैं तो दैट इज इन द सेंस ऑफ डॉट इन, क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं इस सब्जेक्ट से आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी बन जाती है, क्योंकि ORG लें या .co.in लें तो वो एक सेकेंडरी लेवल हो जाता है कि जिसमें अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है .com या .in की तो आप फिर वहाँ जाएं। बट मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड कर सकूं एक एडवाइस। आपकी कंपनी को आपके सर्कल और आपके लोगों के अलावा और कोई नहीं जानता। अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ, अगर मुझे आपके प्रोडक्ट खरीदने हैं तो मैं आपके प्रोडक्ट को सर्च करूँ, आपकी कंपनी को तो मैं जानता हूँ। आपको चाहिए कि आप डोमेन जो आप इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रांड नेम से डोमेन देखें कि मिल जाए तो अवेलेबल है तो उसे बुक कर लीजिए, लेकिन एक सेकेंडरी लेवल का डोमेन और परचेज करें जो .com पे ही हो, या अगर वो अवेलेबल ना हो तो .in पे चला जाए। कीवर्ड पे जितने ज़्यादा सर्च रिजल्ट आते हैं वो आपके खुद के नाम पे उतना ही है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है मेरे सिस्टम की जिसको मैं आपसे मिलकर शेयर करना चाहूँगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मिलकर ही क्लियर कर पाऊँगा, मेरी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, आप मुझे कॉल करें, मुझे इनबॉक्स करें, मुझे मैसेज डाल दीजिए, मेल डाल दीजिए। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो मैं तब भी आपके पास आऊँगा, अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तब भी मैं आपसे मिलूँ। मेरे चैनल पे जो हम कैमरा शूट करके आपको पूरा प्रोफेशनल इंटरव्यू लेते हैं उसमें आप अपनी वो सारी स्ट्रैटेजी बताएं जो आपको चाहिए बेसिकली, क्योंकि आप मैटर लिख देंगे, आप वेबसाइट बना देंगे, आपको आपने सब कुछ इन्फॉर्मेशन अगर अपडेट कर दी किसी सिस्टम पे, वो इन्फॉर्मेशन को लोगों तक प्रोवाइड करने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा।
चाहे आप SEO कराएं, चाहे आप गूगल एडवर्ड यूज करें। डिजिटल मीडिया का ये भी एक टूल है, क्योंकि आपको पता होगा कि गूगल एडवर्ड एक ऐसा टूल है जो एक दिन में आपको फ्रंट पेज पे ले आता है, लेकिन आप इस बात को भी मना नहीं कर पाएंगे कि उसमें भी पैसे लगेंगे, रिचार्ज सिस्टम। तो मेरा मानना ये है कि आप अपनी एक प्रोफेशनल वीडियो बनाएं, उस प्रोफेशनल वीडियो के अंदर अपना कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हैं उसको शूट करवाएं ढंग से, आप एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार करें जिसकी वजह से अगर वो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक कीवर्ड के थ्रू टॉप बॉटम पे ऑन गूगल आ जाती है या किसी भी सोशल मीडिया पे अपने आप आ जाती है कुछ समय में, तो इसका रिजल्ट आपको बिना करे। ये भी क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो वीडियोस आप देखेंगे उस वीडियोस में हर वीडियो के अंदर जो भी कोई प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए नहीं, उस प्रोडक्ट की पूरी ब्रांडिंग भी की गई। अगर आपको मेरे चैनल की एक्टिविटीज अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ साथ आप भी बढ़े और मुझे भी।